हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी। एंड यहाँ जो है द डे टू ऑफ छठ पूजा ब्लॉग मैं शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे जो है मॉर्निंग में मैंने नहा धो लिया है। एंड यहाँ पे जो है मेरी नानी सास जो है मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट एंड लंच का जो खाना पीना है उसकी तैयारी कर रही है, सब्जी वब्जी काट रही है। एंड यहाँ पे गैस पेट चुका है सब्जी खाना वाना बनने के लिए। एंड मैं यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ मॉर्निंग के लिए। तो चलिए अब चलते हैं मौसी के घर एंड देखते हैं क्या क्या तैयारी हो रही है, नहीं हो रही, सब कुछ मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड यहाँ पे जो है जब मौसी के घर आ चुके हैं, एंड मौसी का घर क्योंकि बहुत छोटा है तो मैं अंदर से आप लोगों को जो है ब्लॉग शेयर नहीं कर पाऊँगी, बाहर से जितना हो सके मैं क्लिक लेने की कोशिश कर रही हूँ। एंड यहाँ पर जो है मौसी जी ने भोग रख लिया है जिसके आप लोग देख पा रहे हो। एंड उसको जो है येल्लो कपड़े में ढांक के रखा जा रहा है। एंड ये हमारी एक दीदी है जो कि मदद कर रही है, मम्मी जी भी है और भी सारे मौसियाँ मिलके सारी मौसी को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। हो सके आप लोगों ने भी किया होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। एंड ये सारे प्रसाद को जो है सबसे पहले ये बड़ी वाली टोकरी में रखा जा रहा है ताकि गंगा घाट ले जाने में सुविधा हो, बहुत जल्दी से ले जा पाए। एंड इसको ले जाने के लिए वैन बुलाया गया है ताकि वैन में रख के इनको ले जा पाए, क्योंकि ये तो कोई उठा के भी नहीं ले जा पाएगा, तो वैन रहेगा तो इजीली हम लोग गंगा घाट तक ले जा सकते हैं। देन उसके बाद जो है जाते जाते शाम होने लग चुकी है ऑलमोस्ट, तो हम लोग जो है निकल चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड है आगे आगे जा रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। देन उसके बाद मैं मौसी से भी मिलवाती हूँ जो जिन्होंने छठ पूजा का व्रत रखा है, हमारी अलवेली मौसी उनका नाम है। तो सब प्रणाम कर रहे, जितने भी लोग प्रणाम कर रहे सब ही हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं। एंड यहाँ बाबू भी है और भी सारे हैं, उनके साथ तो मैं आप लोगों को मिलवा नहीं सकती हूँ, बट इन फ्यूचर प्रे ज़रूर कीजिएगा कि मैं आप लोगों को उनके साथ ज़रूर ऑन कैमरा मिलवा पाऊँ। देखा आप लोगों ने कि गंगा घाट जाने वाले जो रास्ते हैं उनको कितने सुंदर तरीके से लाइटों से सजाया गया है। एंड कितना ज़्यादा भीड़ है वो भी दिख रही होगी आप लोगों को, क्योंकि सब जा रहे गंगा घाट में पूजा करने, पूजा देखने हम आ रहे जैसे। तो हम लोग जो हैं ऑलमोस्ट आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। एंड ये है चौरास्ता, एंड ये है गंगा घाट का जो मेन रास्ता है वहाँ। एंड वहाँ पे जो है मौसी जी प्रणाम कर रही है। मैं हर एक क्लिक को तो इंक्लूड नहीं कर पाई, बट जितना हो सके मैंने कोशिश की। एंड बाबू को हम लोगों ने सुलाने की कोशिश की, और भी बच्चे थे उनके ऊपर से लांग के अगर मौसी जी जाए तो उन बच्चों का जो जितना नेगेटिव एनर्जी है वो पास आउट हो जाता है एंड क्रॉस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो मौसी जी ने उनको लांग के गई हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ये थोड़े थोड़े रिचुअल्स होते हैं छठ पूजा में, आप लोगों में भी होता है कि नहीं बताइएगा। मैं तो मौसियों के साथ मतलब इन लॉज के साथ मिलने के बाद ये सब नियम पता चला है मुझे। तो फाइनली जो है हम लोग गंगा घाट के जस्ट थोड़े ही सामने में है। एंड ये सारे जो मेंबर्स हैं वो हमारे घर के ही हैं, जिसके आप लोग देख पा रहे हो कि कैमरा को देख के वो लोग मुस्कुरा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं गंगा घाट एंड कैसे पूजा होती है नहीं होती है थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। होप आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगेगा। तो
देखा आप लोगों ने गंगा घाट में कितना ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, शाम हो चुकी है एंड सब अपनी अपनी जो पूजा है वो करने में व्यस्त हैं। एंड हमारे सारे इन लॉज के फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं, थोड़े थोड़े आप लोगों को पहचान में आ ही रहे होंगे। तो ये मौसी जी, बड़े भैया एंड इतने सारे प्रसाद चढ़ा गए हैं माता जी के नाम पर। तो चलिए धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी जो पूजा की जाती है, कैसे कैसे पूजा की जाती है वो मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, बट जितना भी है मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ या बोल रही हूँ तो प्लीज़ माफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी जो सुहागिने हैं मौसी जी को जो है सिंदूर पहनाती हैं एंड जो ब्लैक टी शर्ट में आप लोगों को मौसी के पीछे दिख रहे हैं वो उनके छोटे वाले लड़के हैं। सब आए हैं, बहुएँ आई हैं, दीदियाँ आई हैं, सब सुहागने मिलके मौसी जी को सिंदूर पहनाएंगे। और क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं वो आप लोग खुद ही देख लो एंड एंजॉय कीजिए ब्लॉक को विद सम स्लो म्यूजिक। किसी को अगर पता हो कि भाई का ठेला जो अपने पूजा की सामग्री वहाँ पर उतार के अंदर सामग्री पूजा के रखने गए थे उस ठेले को वहाँ से कहीं हटा दिया गया हो, अगर किसी को ठेले के बारे में पता हो तो हमारे यहाँ का क्लब में आकर पूछना दे ताकि उसको हम उनका ठेला वापस कर सकें जो अपनी पूजा की सामग्री को लेकर घर वापस जा सके। जितना हो सके जल्दी जल्दी अच्छे से पूजा कर ली गई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जितना टाइम हम लोग लगाएंगे और भी पीछे लोग भी हैं वो लोग भी पूजा करने के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि घाट बहुत कम है यहाँ पे। तो सारे जो पूजा है वो हो चुकी है एंड प्रसाद जो है धीरे धीरे करके मौसी भैया चाचा जी एंड भाभी ये सब दीदी सब मिलके जो है प्रसाद को ऊपर चढ़ा रहे हैं फिर से टोकरी में रखने के लिए ताकि वैन की मदद से घर रिटर्न ले जा पाए एंड ये सारे प्रसाद जो है सबको बांट के खिला पाए। देन हम लोग जब रिटर्न जा रहे थे तो ये जो नाचने वालियाँ होती हैं उनको भी रखा जाता है छठ पूजा के टाइम में, जो जो मानसिक या कुछ भी ऐसे करते हैं वो लोग रखते हैं, पता नहीं ऐसे मैंने सुना, आप लोगों को पता है कि नहीं बताइएगा मुझे। देन उसके बाद घर रिटर्न आ चुके हैं एंड अभी थोड़ी रेस्ट करने की बारी है क्योंकि आज रात भर जो है ठेकुआ बनेगा, ठेकुआ जो छठ पूजा का जो प्रसाद है वो बनने वाला है। बट उसके पहले जो है बच्चों की मस्ती चल रही है तो चलिए सबसे पहले बच्चों की मस्ती देख लेते हैं देन करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। बाबा
उल्टू नाच गाना सब खत्म हो चुका है। देन उसके बाद जो है ठीक हुआ बनने की जो विधि है, पहला ट्रिप फर्स्ट बैच बनना चालू हो चुका है। एंड ये हमारी मौसी जी है जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी मेरी और हस्बैंड की, तो वो ठीक हुआ बनाने लग चुकी है। एंड मीनवाइल में और बाबू और उसके पापा जी थोड़ा सा बाहर आए घूमने के लिए। एंड ये शीतला माता का मंदिर है जो कि 7 बजे तक शाम की दीयाबत्ती करने के बाद बंद हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा पाई। तो थोड़ा बहुत घूम फिर के आके जो है हम लोग ठीक हुआ बनाने का जो सेशन है या ग्रुप है उनके साथ शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आज सारा रात ठीक हुआ बनता है, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों के लिए बनाते हैं एंड बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ बनता है तो इसलिए टाइम लगता है। तो सारा रात जग के गाना वाना चलता है, मस्ती मजाक सब रहते हैं क्योंकि तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। आप लोगों में भी होती है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर छठ पूजा का जो प्रसाद है वो बना लेते हैं, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ एंड करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। तो देखा आप लोगों ने हमारी फैमिली में जो है छोटे बड़े सब मिलके जो है रात जग के ठेकुआ बनाते हैं। आप लोग भी करते हो कि नहीं, जो जो छठ पूजा का व्रत करते हैं या जिनके घर में पूजा की जाती है करते हो कि नहीं बताइएगा। तो आज के दिन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल का दिन का जो ब्लॉग है वो अलग से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।